कनाडा में दिल्ली के जश्न के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भारतीयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मिसिसोगा में खालिस्तान समर्थक भारतीय समुदाय के लोगों से भिड़ गए। दिवाली के मौके पर हो रही पार्टी में खालिस्तान समर्थक जबरन घुस आए। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। खालिस्तानी समर्थकों और भारतीयों की झड़प की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा दिखा रहे हैं। बता दें कि मंदिरों पर हमला करना और उनकी दीवारों पर खालिस्तान नारे लिखना पहले ही कनाडा में खालिस्तानी समर्थक कर चुके हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई नेता कनाडा में रहते हैं और वहां खुलेआम भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां करते हैं। बताया जा रहा है कि जब दिवाली के मौके पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों पर हमला किया, तब वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने इन उपद्रवियों को नहीं रोका। पुलिस तमाशबीन बनी रही। जान ले कि कनाडा से खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारत के खिलाफ की जाने वाली गतिविधियों को लेकर भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार के सामने विरोध भी किया है, लेकिन खालिस्तान समर्थकों और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कनाडा की सरकार पर खालिस्तान समर्थकों का तुष्टीकरण करने के आरोप लग चुके हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने हेट क्राइम को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि जानकारी भी पहले सामने आ चुकी है कि किसी तरह कनाडा में खालिस्तानी के रेफरेंडम 2020 के लिए फीडिंग होती थी। भारत में माहौल को खराब करने वाले और पंजाब में कट्टरता को बढ़ावा देने जैसी चीज कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी समर्थक करते रहे हैं। कनाडा में खुलेआम होने वाली इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाती है।